जूस पिला दो मौसमी का, जूस पिला दो। और आज जो है ना, मैं आपको बाहर से अपना कॉलेज भी दिखा दूंगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सब लोग, अलहमदुलिल्लाह सब बिल्कुल ठीक है। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी आप लोग कह रहे होंगे भाई साहब इतना सुबह सुबह व्लॉग बन रहा है, और देखो भाई साहब अभी तो धूप निकली है, क्या बात है क्या बात है। और इधर हैदर साहब बहुत बुरी शक्ल लेकर जो है जा रहे हैं कॉलेज। रात को ये सोते हैं लेट, तब इनके आप शक्ल पे रूर अहमद देख सकते हैं। जा रहे हैं जी कॉलेज, मैं भी जा रहा हूँ कॉलेज। और सीन ये है कि अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 8:10 या 8:15 का, ठीक है। तो अभी जो है हम लोग कॉलेज के लिए निकले हैं, और हमारा कॉलेज में जो एंट्रेंस का टाइम होता है वो होता है 8:30। हाँ, 8:30 को जो है गेट ओपन हो जाता है और 8:40 को बंद हो जाता है। तो हमें 8:40 से पहले पहले जो है कॉलेज पहुँचना है। तो हम आराम से पहुँचेंगे, तकरीबन 10-15 मिनट वॉक है और कॉलेज आ जाता है। तो हम लोग जा रहे हैं, और अभी सुबह के 8:15 हो रहे हैं, तो हम लोग इस टाइम निकलते हैं और पहुँच जाते हैं तकरीबन 8:20-8:25 पर उधर। फिर उधर जाके थोड़ा बैठ जाते हैं फोम क्लासेस में, मतलब जो सुबह मेन क्लास होती है उधर बैठ जाते हैं। तो अभी बस जा रहे हैं हम लोग। और आज जो है ना, मैं आपको बाहर से अपना कॉलेज भी दिखा दूंगा। अंदर क्या पता मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन बहुत मुश्किल है, लेकिन बाहर से जो है मैं वीडियो वगैरह बना लूंगा जो आप लोगों में दिखा दूंगा कि बाहर से मेरा कॉलेज कैसा लगता है। तो अभी जो है बस चलते हैं हम लोग कॉलेज, और कॉलेज से आके जो है ना बाकी आगे ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। चलते हैं भाई साहब कॉलेज, आप लोगों को कॉलेज दिखाता हूँ और फिर आगे ब्लॉग बनाएंगे। और हाँ यार, कल ब्लॉग अपलोड नहीं हो सका क्योंकि नेट का बहुत इशू था। वो ब्लॉग मेरे पास पड़ा हुआ है, पर ये वाला जो है मैं अपलोड करूँगा। वो ब्लॉग अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं लगा सकता हूँ। तो वो मैंने ब्लॉग अपलोड नहीं किया क्योंकि नेट का बहुत इशू आ रहा था। इधर नेट सही है, पर मैं जहाँ पर था ना वहाँ पर नेट का बहुत इशू था, इस वजह से जो है मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाया। वैसे मेरे जो है ना तकरीबन 6-7 घंटे लग जाते हैं, तो उसे जो है 12 घंटे का टाइम आ रहा था, तो मुश्किल था। तो वो ब्लॉग मैंने नहीं अपलोड किया, लेकिन ये वाला जो आप लोग देख रहे हो ये अपलोड जल्दी हो जाएगा क्योंकि मैंने नेट का नेटवर्क जो है ना थोड़ा चेंज कर लिया, ठीक है। मैं खोखर हाँ। ये भाई साहब इधर से हम लोग कॉलेज की एंट्रेंस की तरफ जाते हैं। आप लोग जो है ना कॉलेज दिखाता हूँ, उसके बाद ही जो है ना आप लोगों से मिलता हूँ कॉलेज के बाद। अच्छा भाई साहब, अभी आपका भैया आ गया कॉलेज से, और अभी जा रहा हूँ घर वापस, ठीक है। आज जो है मैंने नया बैग भी ले लिया, तो ये वाला जो है वापस रख दूंगा। ये वाला मैं एम ही लेकर जा रहा था, तो मेरे पास पहले दूसरा बैग था पर मैंने चेंज करा के ये वाला नया बैग ले लिया। आप कल से ये लेके जाएंगे, मुझे आप कल जाना है और परसों जाना है, उसके बाद एक हफ्ते की आगे छुट्टी। तो भाई साहब चिल करेंगे और फुल ब्लॉग बनाएंगे ये पूरा हफ्ता डेली जो है। बस हम लोग चलते हैं, ठीक है, बर्गर लेने के लिए। इधर आगे जहाँ मैं जा रहा हूँ ना, थोड़ा सा दूरी जो है ना एक शॉप है बर्गर की, उधर से जो है बर्गर वगैरह ले लेते हैं और फिर चलते हैं, कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, फिर जो है ना शाम को जाएंगे टेस्को में कुछ सामान वगैरह ले लें। अच्छा भाई सब छोड़ो, आप लोग कमेंट्स में ये बताओ कि आपको मेरा कॉलेज कैसा लगा है। अब मैंने वीडियोस बना तो ली है, और ना मेरे कॉलेज में किसी को पता है कि भाई ये मतलब यूट्यूब पे मैं व्लॉग्स वगैरह बनाता हूँ, ना किसी को भी पता है। अगर किसी ने देख भी ली ना, तो अब मुझे नहीं पता कि इशू बनेगा या नहीं बनेगा कि मैंने कॉलेज के अंदर वीडियो बनाई और फ़ोन यूज़ किया, क्योंकि एक तरह का गलत ही है। बट खैर देखते हैं जो होगा देखा जाएगा भाई, अभी तो बना लिया है, अब लगाऊंगा। आप लोगों ने देख भी ली होगी, और आप लोग कमेंट से बताना आप लोगों को मेरा कॉलेज कैसा लगा यार। और हाँ, आप लोग पूछ रहे थे कि मैं क्या स्टडी कर रहा हूँ, मैं स्टडी कर रहा हूँ GCSE, तो ये मैं स्टडी कर रहा हूँ। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब कर देगा इसमें, थोड़ा सा मुश्किल है बट खैर है, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा तो हो ही जाएगा इंशाल्लाह। अभी जो है चलते हैं बर्गर शॉप पर, उधर से बर्गर लेते हैं। जूस पिला दो मौसमी का, जूस पिला दो मौसमी का। क्या बात है क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा भाई अब एक और चीज बताऊँ, एक बर्गर शॉप यार पीछे भी थी, पर उधर से यार तकरीबन रोज ही खाते हैं तो वो मुझे अच्छी नहीं लग रही। आप रोज आप लोगों को पता है जो एक चीज बंदा खाता है वो फिर बुरी लगने लग जाती है, तो भाई बुरी नहीं एक तरह की बात, दिल भर जाता है। तो अभी दूसरी शॉप पे जाते हैं, इधर से बर्गर वगैरह लेते हैं। इसका मैंने बर्गर ट्राई किया, VIP किस्म का बर्गर है, साथ जो इनकी वो
सॉस होती है गार्लिक वाली, क्या बात है उसकी। चलते हैं अभी, बस इधर 5 मिनट का रह गया। ओ सामने देखो भाई साहब, क्या ऊंची बिल्डिंग अच्छी लगती है। ये वाली बिल्डिंग बहुत प्यारी लगती है, रात के वक्त तो बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। वो जो ये इसका टॉप है ना, इधर सारी लाइट्स लगी हुई होती हैं भाई साहब, इतनी प्यारी लगती है इसकी। चलो चलो, वो सामने शॉप है भाई साहब उस तरफ। ऑर्डर आपके भाई ने दे दिया, अब वेट करना पड़ेगा 10-15 मिनट, और इधर से लेके चलते हैं। वीआईपी किस्म का बर्गर होता है इनका। लो भाई साहब, बर्गर वगैरह जो है मैं ले आया हूँ, ड्रिंक वगैरह भी ले आया हूँ। इसमें जो है ना, मैंने 2 बर्गर लिए हैं और 4 चिकन के पीस लिए हैं, और उसके अलावा फ्राइज, और साथ जो है ना और क्या, और ड्रिंक ली है। तो अभी बस लेके जा रहा हूँ, खाता हूँ, और फिर उसके बाद जो है कपड़े वगैरह चेंज करके नहा कर फिर जो है ना चलते हैं बाहर, टेस्को वगैरह भी। और हैदर अभी तक नहीं आया, क्योंकि ऐसा होता है ना कि कॉलेज में आपको 1 घंटा और भी बिठा लेते हैं किसी किसी दिन, जब आपकी एक्स्ट्रा क्लास हो। तो हैदर की आज शायद एक्स्ट्रा क्लास थी, तो इस तरह से वो अभी तक नहीं आया, तो वो भी थोड़ी देर में आ जाएगा। देख लो भाई साहब, होगी ना रात। अभी देखो क्या टाइम हो रहा है, 8 बज रहे हैं, और आप लोग देख सकते हैं अंधेरा हो गया है भाई। कॉलेज से आके ऐसा बंदा थक जाता है, और फिर जब ऊपर से खाना खा रहे तो नींद आने लग जाती है, तो वही सीन मेरे साथ आ चुका है, रोज़ ही होता है तकरीबन। तो हाँ, मैंने एक और चीज़ आप लोगों से पूछनी थी, ये ब्लॉग तो आप लोग देख लोगे, बट मुझे एक चीज़ ये कहनी थी कि देखो, एक दिन में इधर ब्लॉग बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरा साथ है कॉलेज। मैं 4 बजे वापस आता हूँ, 4:30 बजे वापस आता हूँ, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है कि मैं उसके बाद ब्लॉग बना के फिर एडिट भी करूँ और उसके बाद अपलोड भी करूँ, तो मेरे लिए वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो मैंने आप लोगों से ये पूछना था कि मैं 2 दिन का ब्लॉग कंबाइन करके अगर बना के अपलोड करूं तो उसके बारे में क्या ख्याल है। आप लोग कमेंट्स में बताना कि 2 दिन का अगर मैं बनाऊंगा तो मेरे पास अच्छा खासा और मतलब थोड़ा लंबा ब्लॉग बन जाएगा आप लोगों के लिए, मतलब मज़ा भी आएगा देखने को। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको डेली चाहिए। डेली में यार यही है, जैसे आप लोग देख रहे हो आज इस ब्लॉग में, मुझे पता है इतना शुगर मेला नहीं है, पर जो 2 दिन का होगा उसमें शुगर मेला भी होगा और हम लोग कहीं घूमने फिरने भी जाएंगे, तो हमारा इजी ब्लॉग और अच्छा सा ब्लॉग बन जाएगा। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि आप लोग 2 दिन का कंबाइंड ब्लॉग चाहिए, तो वो जो है ना हम लोग बना सकते हैं, फिर वो अपलोड करेंगे, वो ज़्यादा इजी होगा मेरे लिए। तो अभी जो है रात के तकरीबन 8 बज रहे हैं, अभी मैं इधर खड़ा हूँ भाई साहब। ये बिल्डिंग मुझे बहुत प्यारी लगती है, बस इसकी जो लाइट्स वगैरह हैं इसमें तक कोई कुछ खास नहीं है, ये एक टाइप के फ्लैट्स ही हैं, रूम्स बने हुए हैं आप लोग देख सकते हो, पर यार ये जो इसकी लाइट्स लगी हुई है ना, ऐसे मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं रात को मतलब हर रोज़ ही तकरीबन इधर आके खड़ा होता हूँ, बस यही सीन है। बाकी अभी मैं सबसे मेन काम में भी आया था सेंसबरी जाने, मैंने उधर से जो है नूडल्स लेने हैं, और उसके अलावा अपने लिए दूध लेना है, तो वो लेना है, तो वो लेने चलते हैं अभी सेंसबरी से, नूडल्स वगैरह देखते हैं, और जो 2-3 चीज़ें और लेनी हुई तो वो भी देखते हैं। ये आ गया भाई साहब सेंसबरी, आ जाओ। अच्छा भाई, इधर अभी मुझे जो है ना इधर से 2 ये उठाने हैं, मैं आपको दिखाता हूँ किधर गया। एक हमें 6 पैक्स वाला ये उठाना है, ये और एक 2 ये हमें लेने हैं, ये न्यूटेला और बन होते हैं साथ, ये वाले बहुत भी अभी ये लेने हैं 2 नूडल्स। किधर हैं इधर नूडल्स हैं या नहीं है, मुझे नहीं लगता इधर नूडल हैं, दूसरी शॉप पर चलते हैं, इसके साथ है। और तो कुछ नहीं लेना ना, मैं घूम रहा हूँ, एक बार अगर कोई चीज़ भूल गया ना फिर आना पड़ेगा, इसे अच्छा एक बार ही देख के जाओ। कोई इधर से ना, मुझे कैचअप वगैरह का क्या करना है। अच्छा ये 2 ले लिए, और इसके अलावा चॉकलेट। दिल बड़ा करता है फिर नहीं लेता यार, फिर एक बार खाऊँ तो दिल करता है और ही खाता जाऊँ, तो इस वजह से नहीं ले रहा चॉकलेट। या एक ले ही लेते हैं, छोड़ो यार एक ले ही लेते हैं, खैर है कुछ भी हो जाए ले ही लेते हैं। अब चलते हैं काउंटर की तरफ, बिल कराते हैं और निकलते हैं जी। अब दूसरी शॉप से जो है नूडल्स लेते हैं, इधर नहीं मिलेंगे नूडल्स। ओए 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 ओए, बस ओए बस, चलो। अच्छा भाई, ये सेंसबरी था, इसके साथ ये शॉप है, यहाँ से हमें नूडल्स मिलेंगे। किस तरफ होंगे? अच्छा नूडल्स भाई साहब ये पड़े हैं, कोका ले लें यार, इनमें से ही ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। मेरा ख्याल है 2 ही काफ़ी हैं, 2 ले लेते हैं और ना बस 2 ही ठीक है। चलो चलो भाई साहब, ये भी आ गए, आ जाओ। अच्छा भाई, सामान वगैरह लेकर अभी जो है मैं घर वापस आ गया, नूडल्स वगैरह भी जो है मैंने खा ली हैं, तो अभी जो है यार नींद भी आने लगी है, क्योंकि सुबह मुझे कॉलेज जाना है, और मैं अभी व्लॉग वगैरह एडिट करूँगा फिर उसके बाद मैं सोऊंगा, तो ये सीन होता है।
और बाकी आप लोगों को एक चीज मैंने पहले भी बताई थी कि भाई मैं कॉलेज के अंदर बैठ के ब्लॉग अपलोड करता हूँ, जो आपकी तरफ ब्लॉग पाकिस्तान के 7 बजे आता है ना, वो उधर कॉलेज के अंदर बैठ के मैं 3 बजे अपलोड करता हूँ, ये सीन होता है। तो भाई देखो आपका भाई आपके लिए फिर भी इतनी मेहनत करता है, कॉलेज के अंदर बैठ के मैं ब्लॉग लगाता हूँ। बाकी खैर कोई बात नहीं, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं उसे सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में, या आप लोग मुझे इस ब्लॉग के कमेंट में बता देना कि यार आप लोग 2 दिन का कंबाइंड ब्लॉग चाहिए, तो वो मेरे लिए भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा और वो ब्लॉग भी अच्छा बन जाएगा एज़ कम्पेयर टू जो हम डेली ब्लॉग बनाते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट में बता देना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।